हमें आपसे प्यार हो गया है शालू जी, और हम जिंदगी भर तक आपका हाथ थामे रखना चाहते हैं। अगर हमारे रिश्ते को सबकी मंजूरी मिल जाती है तो हमें आपके प्यार से एतराज नहीं है। सिलाई सेंटर में तोड़फोड़ किसने की थी उसका भी पता चल गया है। कौन कौन है? राजवीर शुक्ला, नारायण शुक्ला सर का वो बिगड़ेल बेटा है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हम चेक करते हैं। सर लगता है वायर जल गई है, अब तो हमें मैकेनिक ही ढूंढना पड़ेगा। सर वो मैकेनिक आशुत नहीं है। सर हमारे होटल पे कोई गलत काम नहीं होता है। सर हमारा होटल क्लासिफाइड है। चुप, रेड हैंड पकड़ा है मैंने। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो? हस्बैंड हस्बैंड वाइफ नहीं होते तो भाग जाते ना सर हम। मैडम जी आप बताइए, आप इनकी वाइफ है क्या? सर वो एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई थी इसीलिए हम यहाँ रुके हुए। सर आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो हम अपने घर वालों को फोन लगाते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है लेकिन आप दोनों यहाँ नहीं रुक सकते, इस होटल का रेपुटेशन अच्छा नहीं है। जी सर वो एक्चुअली हम यहाँ रुकना भी नहीं चाहते थे, वो गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए यहाँ रुकना पड़ गया। अभी मैनेजर ने बोल दिया है कि दूसरा मैकेनिक आ रहा है, जैसी गाड़ी ठीक होगी हम लोग निकल जाएंगे। ठीक, थैंक यू सर। शालू जी कभी कभी झूठ बोलने के सिवा कोई और रास्ता नहीं होता। I'm sorry. It's okay. सर शालू चले अम्मा जी। देखिए ना आधी रात हो गई और सालू अभी तक नहीं आई है। इतनी देर तो पहले कभी भी घर से बाहर नहीं रही। हमारा दिल बैठा जा रहा है अम्मा जी, जब तक वो आ नहीं जाती ना अम्मा जी ना हमें नींद आएगी ना चैन आएगा। अरे बीसीएस का मैसेज आया है ना कि सब ठीक है, खाई चिंता करती हो। माँ है ना मजी, परेशान तो होंगी, आप आराम कर लीजिए, हम थोड़ी देर और इंतजार करें। माँ
तुम जानते हो तुम्हारे चिंता में तो हमारी जान ही निकले जा रही थी। वो अब रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है हम चलते हैं। प्रणाम। आलू तुम ठीक तो हो ना? ठीक है माँ। पर तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, मरे जा रही थी तुम्हारी चिंता में। अब सब ठीक है ना? चैन आ गया ना? पटिया आ गई ना? चलो अब सोते हैं। I love you, शालू जी। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो? हस्बैंड वाइफ नहीं होते तो भाग जाते ना सर हम। चलो सालू, क्या सोच रही हो तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक है। चलो कल रात बदनाम होटल में पुलिस रेड के दौरान पकड़े गए कुछ जोड़े, लेकिन ये कपल भी फंसा रेड में और पुलिस ने की पूछताछ तो पता चला ये शादीशुदा है। अरे जीजा क्या बात है, सवेरे सवेरे माथे पे इतने बल क्या हुआ? क्या हुआ है? ये देखिए क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें? ये गुड्डू मिश्रा का परिवार को हमने जितना सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा गिरा हुआ निकला। सीधे सीधे बात नहीं बनी तो ऐसी नीच हरकत पे उतर आए ये लोग। हम सब समझते हैं किसी बदनाम होटल में जाओ, लड़के लड़की को बदनाम करो और खुलेआम शादीशुदा होने का ऐलान कर दो ताकि मजबूरन हमें रिश्ता मंजूर करना पड़े। ए लाल साले साहब, आप तो उन दोनों के साथ गए थे ना रांची? तो फिर ये कैसे हो गया? ये वो रांची में बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, अब हमें अभी के अभी ये सब खत्म करना होगा किसी भी कीमत पर। जी पर इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है? मिसेस को आने दो मॉर्निंग वॉक से वापस, फिर बात करेंगे शांति से। बात नहीं, अब आर पार का फैसला होगा। लेकिन आप आराम से बैठिए यहाँ, क्योंकि इज्जत हमारे परिवार की उछाली गई है और आपकी तो कोई इज्जत है ही नहीं। हो जाएगा। गर्मा गर्म कॉफी सुना बाबू, बाद में बात करते हैं। और आज की ताजा खबर जरा देखिए, फोटो किसकी छपी है देखिए तो, शालू और विशेष की। अब लड़का लड़की एक साथ किसी होटल में पकड़े जाएंगे तो बदनामी तो किसकी होगी, लड़की की ना? खैर हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, आपकी इसमें बदनामी होती है। मिश्रा जी हमें आपकी फिक्र है। नहीं जी, हमें पांडे से बात करनी होगी। और क्या होगा उससे, कोई हल निकलने वाला है नहीं ना? मिश्रा जी वो रंजू और रंजू की बेटियों का प्रॉब्लम है, उन्हें ही सब संभालने दीजिए, आप इस सब पछड़े में मत पड़िए प्लीज। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है ललिता जी, शालू और विशेष ऐसे बच्चे नहीं हैं। हम उन दोनों के रिश्ते को अच्छी तरह से जानते हैं, हमें ये बात सबके सामने रखनी होगी। हम आते हैं।
माँ आज हमारी नौकरी का पहला दिन है। भगवान करे तुम सब ऐसी खुश रहो। अच्छा माँ अब भूलना मत आज 11 बजे आपकी सिलाई सेंटर की मशीनें भी आ जाएंगी। बुलबुल तुम्हारी नई जॉब के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि तुम अपना काम अच्छे से संभाल लोगी। लेकिन बुलबुल वो नारायण सर के ऑफिस में तुमसे उनका बेटा राजवीर भी टकराएगा। हम तुम्हें यही सलाह देंगे कि बस तुम उसको इग्नोर करना, फालतू की लड़ाई झगड़े में मत पड़ना, समझी? एक बात बताइए दीदी, आप तो कल रांची में थी, तो यहाँ जो कुछ भी हुआ आपको कैसे पता चला? वो दादी ने हमको बताया, इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं। दीदी आप चिंता मत कीजिए, चिंता तो उसे करना होगा, हम उसे। गुड्डू मिश्रा, कहाँ है गुड्डू मिश्रा? कहाँ हो गया पांडे जी, आज सुबह सुबह काहे दर्शन दे दिए? उस दिन तो आप अपनी बेटी की शराफत के गुणगान गा रही थी, आत्मसम्मान और भरोसे की बात कर रही थी, लेकिन रंजू जी आपके इरादे और आपकी बेटी की असलियत, उसके असली रंग सामने आ गए। जब हर तरह से हार गए हमसे दोबारा रिश्ता जोड़ने में, तो ये हथकंडा अपनाया है अखबार में खबर छपवा के कि शालू और विशेष पति पत्नी हैं, ताकि मजबूरन हमें शालू को अपने घर की बहू बनाना पड़े। क्या षड्यंत्र रचा है पूरे परिवार ने मिलकर? क्या बकवास करें आप, होश में तो है ना, हम काहे शादी वादी कराएंगे बताइए? आप सचमुच भोली हैं या भोली बनने का नाटक कर रही हैं? ये अखबार झूठा है, जो इसमें फोटो छपी है आपकी बेटी और हमारे बेटे की, वो किसी और की है क्या? झूठ बोल रहा हूं मैं और आप सच्चाई की मूरत हैं। देखिए अब सच्चाई सामने आ गई है और आपकी बेटी की हरकतें भी सारी दुनिया देख चुकी है। क्या हुआ, काम सौंप दिया सबको? गजब की प्लानिंग बनाई है आप लोगों ने। बीच रास्ते में होटल में रुकना और वहां पुलिस वाले और अखबार वालों को बुला के उनसे ये बता देना कि ये हमारे पति हैं, ताकि फुल प्रूफ हो जाए रिश्ते का। देखिए अंकल जी, आप ऐसे कुछ भी इल्जाम हम पर नहीं लगा सकते। हम उस होटल में इसलिए ठहरे थे क्योंकि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और तुमने इस मौके का फायदा उठाया और अपने मन मुताबिक खबर छपवा दी अखबार में। यही इल्जाम हम आप पर भी तो लगा सकते हैं ना? विशेष का रिश्ता लेकर तो आप लोग आए थे यहाँ, और जब माँ ने ये रिश्ता ठुकरा दिया तो हो सकता है आप लोगों ने खबर अखबार में छपवा दी ताकि शालू दीदी बदनाम हो जाए, है ना? इस तरह के जवाब की उम्मीद ना सिर्फ तुमसे ही लगा सकते हैं। हम काहे करेंगे ऐसा, कहा लगती है तुम्हारी बहन हमारी, सबकी आधारा तुम लोगों का है। बच्चू पांडे, अगर तुम हमारे गुडवा के बचपन के दोस्त नहीं होते तो हम तुम जैसे घटिया आदमी को अभी हाथ पकड़ के घर से बाहर फेंक देते। अरे कौन परिवार अपनी लड़की की बदनामी चाहेगा? क्षमा चाहते हैं अम्मा जी, हमारी बात कड़वी जरूर है
लेकिन हम वही कह रहे हैं जो हम देख रहे हैं। और वैसे भी अखबार में सुर्खियां बटोरने की आदत जो है तुम लोगों की, बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली हमने आपकी बातें। माँ, जब हम रांची से वापस आ रहे थे ना, तो रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए हमें थोड़ी देर के लिए एक होटल में रुकना पड़ा, और उसी वक्त पुलिस की रेड पड़ी और फोटोग्राफर ने हमें और विशेष जी को ना दूसरे कपल की तरह समझ लिया। इसलिए विशेष जी ने सबको बताया कि हम हस्बैंड एंड वाइफ है, ताकि हम पर कोई प्रॉब्लम ना आए। और माँ, जैसे ही गाड़ी ठीक हो गई थी ना, हम वापस आ गए थे, बस इतनी सी बात है। ए बिटिया, ये पहाड़ा किसी और को पढ़ाना, हम भी गुड्डू मिश्रा के दोस्त हैं, दुनियादारी थोड़ी बहुत हमें भी आ गई। पापा, चालू जी सच कह रही हैं। विशेष जी, आप चाहते थे ना कि हम और आप बिजनेस पार्टनर बने, लेकिन आपके पापा, उनको तो लगता है कि हम आपके पीछे पड़े हुए हैं। अब हमसे ये काम, विशेष के साथ कंपनी में पार्टनर बनी गुड्डू की दोस्ती की लिहाज रखने के लिए हमने ये बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमारे बेटे की लाइफ पार्टनर बनने के बारे में भूल के भी मत सोचना। बच्चू, दोस्ती और लिहाज का मतलब भी समझते हो क्या तुम? दोनों बच्चे दोस्त, एक साथ काम करते हैं, दोनों समझदार हैं। अगर वो एक साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, इसमें हर्ज क्या है? इतना हंगामा खड़ा करने से पहले एक बार अपने बेटे से पूछ तो लेते कि वो क्या चाहता है। क्या तुम शालू को पसंद करते हो? जी चाचा जी। अगर शालू जी को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है तो हम तो पहले से ही राजी। तुम्हारे राजी होने से क्या होता है? हमारी भी रजामंदी चाहिए कि नहीं? गुड्डू बाबू, रिश्तेदारी बराबरी वालों से की जाती है, बस इसी दोस्ती के लिहाज के लिए हम रिश्ता लेके आए थे आपके यहाँ। क्या हुआ अंजाम, आपको अच्छी तरह से पता है। वैसे हमारा इरादा तो नहीं है इस बदनाम घर में रिश्ता जोड़ने का, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, रंजू जी को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। वैसे हमारा इरादा तो नहीं है इस बदनाम घर में रिश्ता जोड़ने का, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, रंजू जी को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए।
पूरे परिवार को अपना मानिए। अब शालू और विशेष की बात कीजिए शादी। और अगर तुम हमारी बात के विरुद्ध उस लड़की से शादी किए ना, तो हमारी अर्थी के लिए अपना कंधा मजबूत कर लेना। पापा मेरे, एक शब्द नहीं। और अगर तुम हमारी बात के विरुद्ध उस लड़की से शादी किए ना, तो हमारी अर्थी के लिए अपना कंधा मजबूत कर लेना। क्या आप विशेष जी से प्यार करती हैं? बताइए ना दीदी। ऐसा नहीं है कि हमें विशेष जी अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम अपनी सीमाएं और सिचुएशन दोनों जानते हैं। पापा, हम शादी शालू जी से करना चाहते हैं। तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो करो, लेकिन एक काम करो, ये लो हमें जहर दे और फिर हमारी चीता के साथ ले लेना सांस फेरे। आज से ये हमारी बॉडी गार्ड ही नहीं, पीए भी है। आज से तुम्हारी पॉकेट मनी भी यही दिया करेगी और तुम्हें अपने सारे खर्चों का हिसाब इसी को देना होगा। तो बाहर का रास्ता हम दिखाते हैं। दी, क्या आप विशेष जी से प्यार करती हैं? बताइए ना दीदी। ऐसा नहीं है कि हमें विशेष जी अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम अपनी सीमाएं और सिचुएशन दोनों जानते हैं। पापा, हम शादी शालू जी से करना चाहते हैं। तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो करो, लेकिन एक काम करो, ये लो हमें जहर दे और फिर हमारी चीता के साथ ले लेना सांस फेरे। आज से ये हमारी बॉडीगार्ड ही नहीं, पीए भी है। आज से तुम्हारी पॉकेट मनी भी यही दिया करेगी और तुम्हें अपने सारे खर्चों का हिसाब इसी को देना होगा। तो बाहर का रास्ता हम दिखाते हैं।